नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं 8, 9 और 10 जून के तुला राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी यह समय बर्थडे हैं या मैरिज एनिवर्सरी है, आप लोगों को हमारे दोस्तों ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आइए इसके साथ बात करते हैं यह समय ग्रहों की स्थिति कैसे रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे, इन सभी का आपकी राशि पर कौन सा असर पड़ने वाला है, किन किन चीजों से आपको सावधान रहना होगा, कौन कौन से कार्य आपके भाग्यशाली साबित होंगे, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा दोस्तों, इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थितियां और धन की स्थिति को लेकर कैसे कैसे योग बन रहे हैं, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छी उपाय भी हैं जिनको करने से जीवन में और भी ज्यादा खुशी को प्राप्त किया जाएगा। तो आपको जीवन में नई खुशखबरी मिलने के साथ साथ कई सफलताओं को प्राप्त करने का मौका मिलेगा, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, सोचे हुए कार्य पूरे होंगे, आपके मन में नए नए विचार उत्पन्न होंगे, आप अपनी योजनाओं में सफलता को हासिल कर सकते हैं, ऑफिस में के साथ आपके रिश्ते काफी अच्छे बनेंगे, बड़े अधिकारी भी आपकी प्रशंसा कर सकते हैं, आपके स्वास्थ्य में सुधार आने वाला है, आपको अपने अच्छे काम काजों के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है, आपके मुंह से निकली भी हर इच्छाएं हर मुरादें पूरी होंगी, आपके ऊपर बजरंग बली की कृपा दृष्टि भी सबसे अधिक बनी रहेंगी, व्यापार के क्षेत्र में आप नए कीर्तिमान को स्थापित करने में कामयाब होंगे, राजनीतिक के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का समय अच्छा रहने वाला है, समाज में नए लोगों से परिचय हो सकता है, बेरोजगार लोगों को अच्छी नौकरी की प्राप्ति भी अवश्य होने वाली है, आपके बॉस भी आपके बेहतर प्रदर्शन के लिए पदोन्नति पर विचार कर सकते हैं, तुला राशि के जातकों को कोई बड़ा लाभ भी प्राप्त होगा, पारिवारिक वातावरण भी आनंददायक रहेंगे, आपको सफलता के कई सारे अवसर भी हाथ लग सकते हैं, धन लाभ और बचत में वृद्धि होगी, आपको जीवन में अनेकों प्रकार के बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे, आपके जीवन में कई सारे भाग्य का साथ भी प्राप्त होगा, दूसरों की समस्याओं को सुलझाने में काफी ज्यादा खुशियों की प्राप्ति होगी, आपकी कोई अधूरी इच्छाएं भी शीघ्र पूरी होंगी, नए लोगों से जान पहचान बढ़ सकती है, यदि आप कोई साझेदारी में कार्य आरंभ करते हैं तो उसका भी आपको अच्छा खासा फायदा भी मिलेगा, अचानक से आपको किसी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, यात्राओं को करना भी आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी रहेगा, तथा आपके सभी रुके हुए कार्य भी पूरे हो जाएंगे, आपके प्रेम संबंध भी विवाह में तब्दील हो सकते हैं, बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, यदि आप कहीं निवेश करते हैं तो उसमें भी भारी मुनाफा मिलने वाला है, छात्रों को भी मिले जुले फलों की प्राप्ति होगी, घुटने और जोड़ों के दर्द से आपको राहत भी प्राप्त होगी, कार्यस्थल में आपको सफलता की प्राप्ति का पूर्ण योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके कार्यों की प्रशंसा मिलेगी, वरिष्ठों का सहयोग भी मिलेगा, किंतु आर्थिक मामले में बड़े का सहयोग भी आप लोगों को लेना काफी उचित रहेंगे, आपके द्वारा बनाई गई सभी योजनाएं भी बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाएंगी, रिश्तेदारों की तरफ से आपको सहायता मिल सकती है, पारिवारिक जीवन में खुशहाली और सुख शांति बनी रहेंगी, दाम्पत्य जीवन में भी आप का संबंध काफी ज्यादा बेहतरीन रहेगा, ऐसे में तुला राशि के जातकों को सोच समझ कर और विशेष रूप से कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा करके जीवन में सफलता को हासिल करने का मौका मिलेगा, आपके जीवन का हर पल हर लम्हा शानदार तरीके से बीतेगा, व्यापार व्यवसाय में उन्नति के सामने अवसर भी आएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको अपार सफलताओं की प्राप्ति होगी, आपको सच्चा प्यार मिलेगा, मित्रों माता दुर्गा की कृपा से आपको जीवन में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं, आप अपने जीवन के दुख तकलीफों और समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं, भाग्य को आपका परिवार और दोस्तों का साथ भी आपको प्राप्त होने वाला है, भगवान शिव जी की कृपा से धन लाभ के नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं, आर्थिक स्थितियों में लगातार सुधार हो सकता है, आप अपने विरोधी को परास्त कर सकोगे, आप अपने कामकाज से जुड़ी कोई बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं, रुके हुए कार्य भी गति होंगे, नौकरी पेशा वाले लोगों को पदोन्नति मिल सकते हैं, जो लोग काफी लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे उनको भी अच्छी नौकरी मिल सकते हैं, आपको अपने सैलरी में बढ़ोतरी मिल सकती है, अचानक से कार्य क्षेत्र में विस्तार हो सकता है, माता दुर्गा की कृपा से जीवन साथी के प्रति आपका प्यार का एहसास होंगे, कार्यस्थल पर भी वरिष्ठ अधिकारी आपसे पूर्ण समर्थन कर सकते हैं, बैंक के लेन देन से आपको फायदा हो सकता है, आप अपनी जिम्मेदारी को ठीक प्रकार से पूरा कर सकते हैं, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, समय के साथ आप अपने जीवन में तेजी से परिवर्तन कर सकते हैं, आपके महत्वपूर्ण कार्य भी काफी लंबे समय से अटके हुए कार्य भी पूरे हो सकते हैं, आप किसी काम में जीवन साथी की मदद पा सकोगे जिनसे कि आपके रिश्ते और भी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं, करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं, कारोबारियों को बड़ा धन लाभ हो सकता है, अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको तरक्की के नए अवसर भी मिल सकते हैं, आपको किसी पुरानी शारीरिक समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है, ऑफिस के काम का बोझ भी अधिक हो सकता है, आपको अंत में जरूर सफलता हासिल होगी और किसी नए काम को करने के लिए आप किसी अनुभवी व्यक्ति की राय ले सकते हैं।
मित्रों, यह समय धन से जूझ रही समस्याओं को दूर करने के लिए काफी शुभ रह सकता है। माता लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक तंगियां आपके अचानक से खत्म होंगी। आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा से धन दौलत की बरसातें होंगी। घर से आर्थिक तंगियां भी दूर होंगी। अचानक से लॉटरी लग सकती हैं जिनसे कि आप करोड़पति बन सकोगे। शनिदेव की कृपा से आपको जिंदगी के हर मोड़ पर सफलता हासिल होगी। घर में खुशियों का माहौल रह सकता है। नौकरी के क्षेत्र में आपको तरक्की हासिल होगी तथा आपको बताना चाहेंगे कि आपको इस समय माता दुर्गा की विशेष कृपा भी प्राप्त होने वाली है और इसी के साथ भगवान शिव जी की कृपा भी आपके बंद किस्मत के दरवाजे को खोलने में आपकी सहायता करने वाली है। पैसों के मामले में आपकी स्थितियां काफी अच्छी होंगी। घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। आपके रुके हुए कार्य भी पूरे हो सकते हैं। आपका पारिवारिक जीवन भी सुखमय रह सकता है। व्यापार करने वालों के लिए यह समय सबसे अच्छा रहेगा। पुराने कर्जों से आपको राहत मिल सकती है। पैसों से जुड़े मामलों को हल किया जा सकता है। आप अपने व्यापार में खूब मुनाफा प्राप्त कर सकोगे। सरकारी नौकरी भी आपको मिल सकते हैं। आपको कमाई के नजरिए भी प्राप्त होंगे। निवेश के लिए आपका समय काफी अनुकूल रह सकता है। आप अपने जीवन के तमाम दुख तकलीफों और समस्याओं से काफी छुटकारा पा सकते हैं। माता दुर्गा की कृपा से नौकरी पेशा वाले लोगों की किस्मत भी बदलने वाली है। आप लोगों को बड़े और शुभ समाचारों की प्राप्ति होने वाली है जिनके कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में विशेष बड़ी खुशखबरी को हासिल कर सकते हैं। आपको अलग अलग क्षेत्रों से व्यापार व्यवसाय और करियर के क्षेत्र में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपको अपना सच्चा प्यार भी जरूर प्राप्त होंगे। शिक्षा नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में आप नए कीर्तिमान को स्थापित कर सकते हैं। व्यापार में भी आपको जबरदस्त लाभ होंगे। आपके समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होंगी। आपके द्वारा लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय भी लाभदायक रह सकता है। यात्राओं से जुड़ी आपकी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। परिवार में आपका सुख आ सकता है। आपका व्यापार भी तेजी से गति कर सकता है। आपको ज्यादा पगार वाली नौकरी मिल सकती है। वहीं नौकरी पेशा वाले लोगों को सैलरी में बढ़ोतरी मिल सकती है। आपको उधार दिए पैसे भी वापस मिल सकते हैं। आप कोई नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। जीवन साथी की तरफ से आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। स्वास्थ्य से जुड़ी आपकी परेशानियां भी दूर होंगी। आपको हर कार्य में सफलता हासिल होंगी। आपकी चिंताएं भी समाप्त होंगी। धन के क्षेत्र में आपको वृद्धि मिल सकती है। माता लक्ष्मी की दया दृष्टि भी आपके ऊपर बनी रहेगी। आप जल्दी ही बहुत सारे धन को इकट्ठा करने में कामयाब रहेंगे। आपको अपने शुभ समाचार भी अवश्य प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए आने वाला समय अच्छे साबित होंगे। बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिल सकते हैं। घर में आपके धार्मिक कार्य कर सकते हैं। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आप लोगों को पारिवारिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करने के मौके मिल सकते हैं। साथ ही आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेंगे। आपके जीवन में प्रयास भी काफी ज्यादा फलीभूत होंगे। आप लोगों को अपनी वाणी पर संयम रखने की जरूरत रह सकते हैं। आपकी मनोकामनाएं भी अवश्य पूरी होंगी। आप लोगों को भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा भी प्राप्त होंगे। आपकी हर मनोकामनाएं उनकी कृपा से पूरी होने वाली हैं। आपका आने वाला समय काफी अच्छा रह सकता है। आपकी आर्थिक स्थितियों में सुधार आ सकते हैं। करियर